नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को किया ढेर, मुठभेड़ में एक जवान शहीद। कर्ज माफी के इंतजार में मध्य प्रदेश के 22.81 लाख किसान, किसानों पर डिफॉल्टर होने का खतरा, साल भर में 24% बड़ा कृषि खातों का एनपीए। मध्य प्रदेश में बिजली बिल हुए आधे, 56 लाख उपभोक्ताओं को 3 महीने का बिल देना होगा आधा, सीएम शिवराज चौहान ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में आज से फिर रफ्तार पकड़ सकता है मॉनसून। नीमच में मॉनसून की पहली बारिश व सड़कों पर भरा पानी। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले पुरी में 41 घंटे का शटडाउन, सभी एंट्री पॉइंट्स बंद, बुधवार दोपहर 2 बजे तक रहेगा शटडाउन। और देश भर में कोरोना का आंकड़ा 4.5 लाख के करीब पहुंचा, अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 2.5 लाख के करीब मरीज ठीक हुए हैं। की न्यूज खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के 22.81 लाख किसान बैंकों का कर्ज नहीं चुका रहे हैं, इससे इन पर डिफॉल्टर होने और अगले सीजन में कृषि लोन नहीं मिलने का खतरा बढ़ गया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति आज को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इसका ब्यौरा रखेगी और इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। दरअसल इन किसानों पर कुल 15,000 करोड़ रुपये का कर्ज है, ज्यादातर ये 50,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक का कर्ज ले रखा है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय 45.81 लाख किसानों का 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की योजना शुरू की गई थी। 10 मार्च तक की स्थिति में 23 लाख किसानों का 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ भी हो चुका है, लेकिन शेष बचे 22.81 लाख किसान अभी भी कर्ज माफी के इंतजार में हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार की पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी की गई है। 39 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं, 4 डीआईजी, 19 एसपी भी बदले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार की पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी की गई है, 39 आईपीएस के तबादले किए गए हैं, 4 डीआईजी और 19 एसपी भी बदले गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 39 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं, 4 डीआईजी और 19 एसपी भी बदले गए हैं। तो सरकार की पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी सामने आई है, 39 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें 4 डीआईजी और 19 एसपी बदले गए। तो मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां पर 39 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं, 4 डीआईजी बदले गए हैं और साथ ही साथ 19 एसपी भी बदले गए हैं। अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, तबादले कर दिए गए हैं। कोविड-19 जिस तरीके से पैर पसार रहा है, उसी को लेकर सरकार भी काफी सख्त हो गई है। और इस बीच आपको मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, जिस तरीके से पहले जो खबर दिखाई थी,
वहां पर तबादले किए गए अधिकारियों के। लेकिन इस अब एक और आपको बड़ी खबर बता देते हैं, हायर और टेक्निकल एजुकेशन के छात्रों के लिए एक फैसला लिया गया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है और बता दें आपको ये फैसला क्या कुछ लिया गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे कॉलेज छात्र। हायर और टेक्निकल एजुकेशन के छात्रों के लिए फैसला लिया गया। तो इस कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन था और लॉक चल रहा है, जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम नहीं दे पाए तो उनका अब प्रमोट कर दिया जाएगा, अब वो अगली सेमेस्टर में जा सकेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा ये फैसला लिया है और इसकी जानकारी खुद सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी है। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार का बड़ा फैसला सामने आया, जहां पर अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे कॉलेज छात्र। हायर और टेक्निकल एजुकेशन के छात्रों के लिए फैसला लिया गया है। कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा था और अब अनलॉक 1 चल रहा है और इस बीच छात्रों के एग्जाम नहीं हो पाए हैं, इसको लेकर छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और स्पीच आपको इंदौर से बड़ी खबर बता देती है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इलाज के लिए भटकती रही फिजियोथेरेपिस्ट, चार अस्पताल भटकने के बाद अगले दिन मौत हो गई। इंदौर में 16 दिन में हो चुकी है 50 लोगों की मौत। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है, बड़े सवालियां खड़े होते हैं। अगले कुछ दिनों में 50 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक मरीज लगातार भटकती रही और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। फिजियोथेरेपिस्ट की मौत हो गई है, इलाज के लिए भटकती रही लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। चार अस्पताल भटकने के बाद अगले दिन फिजियोथेरेपिस्ट की मौत हो गई। इंदौर में 16 दिन में 50 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। फिजियोथेरेपिस्ट चार अस्पतालों भटकी रही, उसका इलाज नहीं हो पाया, किसी ने उसको एडमिट नहीं किया और अगले ही दिन उस महिला की, उस मरीज की मौत हो गई। इंदौर में 16 दिन में 50 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो इलाज न मिलने के चलते फिजियोथेरेपिस्ट की मौत हो गई है और यह मरीज चार अस्पताल में भटकता रहा लेकिन इसको कोई इलाज मुहैया नहीं कराया जा सका, किसी अस्पताल ने इसको एडमिट नहीं किया, जिस वजह से अगले ही दिन फिजियोथेरेपिस्ट की मौत हो गई। 16 दिन के अंदर 50 लोगों की मौत हो चुकी है, बड़े सवालियां खड़े होते हैं। आखिरकार जो इतनी मौतें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अस्पताल बनाए गए हैं मरीजों के लिए लेकिन वहां पर मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता है, वहां पर उनको बेड की सुविधा नहीं दी जाती है। बता दें आपको, यह मरीज चार अस्पतालों भटकता रहा लेकिन किसी भी अस्पताल ने इस मरीज को एडमिट नहीं किया और अगले ही दिन इस फिजियोथेरेपिस्ट की मौत हो गई है। 16 दिन के अंदर 50 लोगों की मौत होना कोई आम बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाही करते जा रहा है, सबक नहीं ले रहा है
एक तरफ कोविड-19 से देश दुनिया परेशान है और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को इलाज मुहैया नहीं हो सका, उसको बेड की सुविधा नहीं दी जा सकी। और ये बता दें आपको, यह मरीज 4 अस्पतालों में भटकता रहा लेकिन किसी भी अस्पताल ने इस मरीज को एडमिट नहीं किया, जिस दौरान फिजियोथेरेपिस्ट की मौत हो गई। तो इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक फिजियोथेरेपिस्ट 4 अस्पतालों में घूमता रहा, भटकता रहा, लेकिन उसको इलाज मुहैया नहीं कराया गया, जिस दौरान अगले ही दिन इस फिजियोथेरेपिस्ट ने दम तोड़ दिया। 16 दिन के अंदर 50 लोगों की मौत हो चुकी है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर एक फिजियोथेरेपिस्ट की मौत हो गई है। बता दें आपको, यह मरीज 4 अस्पतालों में घूमता रहा लेकिन किसी भी अस्पताल ने इसको एडमिट नहीं किया, जिस दौरान अगले ही दिन इस मरीज की मौत हो गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में लगातार कोविड-19 अपने पैर पसार रहा है। बता दें कि कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 4.5 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इतना ही नहीं, 14,000 से ऊपर लोगों की मौत भी हो चुकी है, साथ ही 2.5 लाख से ज्यादा लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो देश भर में जो आंकड़ा है कोविड पॉजिटिव का, वो 4.5 लाख के पार हो चुका है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की इस कोविड-19 से मौत हो चुकी है। तो देश भर में लगातार कोविड-19 अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार भी इसको कंट्रोल करने में पूरी कोशिश कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले 5-6 दिन से अटका मॉनसून मंगलवार से फिर रफ्तार पकड़ सकता है। इस बारे में मौसम केंद्र ने सोमवार को पूर्वानुमान जारी किया। मॉनसून की उत्तरी सीमा कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खजुराहो, फतेहपुर, बहराइच से गुजरती रही थी, अब परिस्थितियां मॉनसून के आगे बढ़ने के अनुकूल हो गई है। अगले 24 घंटे में मॉनसून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। अगले 48 घंटों में यह हिमालय के वेस्टर्न रीजन, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के ज्यादातर इलाके, अरब सागर के बाकी हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सीएम शिवराज ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि घर पर रहने से लोगों के बिजली बिल बड़े बड़े आए हैं। जिनका अप्रैल महीने में 100 रुपये आया, उनमें मई, जून, जुलाई में 50 रुपये बिल दे दिया जाएगा और इससे 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ का लाभ होगा, जो हम सरकारी खजाने से बिजली विभाग को देंगे। उन्होंने कहा कि 100-400 रुपए बिजली बिल वालों को सिर्फ 100 और 400 से अधिक बिल वालों को केवल आधा बिल देना होगा। इससे उपभोक्ताओं को 183 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिसका वहन सरकार करेगी। पूरे प्रदेश से हमारे बिजली उपभोक्ता, जिनके घरों पर बिजली जलती है, ऐसे मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार।
आप सब जानते हैं इस समय हमारा पूरा देश और दुनिया भी कोरोना के संकट से जूझ रही है। अब ऐसी परिस्थिति में जब काम धंधे चल नहीं रहे, रहना घर पर है और बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाएं, कितने बड़े बिल भरें कैसे, और जब इस समस्या का पता चला तो हमने फिर तय किया, संबल योजना बना के तय किया कि बिजली के बिल बड़े नहीं आएंगे, छोटे आएंगे। संबल योजना के एक उद्देश्य था गरीबों को सस्ती बिजली देना, और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं, सस्ती बिजली गरीबों को दी जाएगी। हमने तय किया कि मार्च 2020 की स्थिति में हमारे संबल योजना के गरीब वो हितग्राही जिनका अप्रैल महीने में 100 रुपये का बिल आया है, उनसे अप्रैल, मई और जून 3 महीने का बिजली का बिल केवल 50 रुपया लिया जाएगा। बैतूल जिला मुख्यालय पर आज युवाओं ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले के विरोध में चाइनीज सामान जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मोबाइल से चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल किए। युवाओं का कहना है कि गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को ये हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। साथ ही युवाओं ने सरकार से गुजारिश की है कि वो जल्द से जल्द हमले का मुंहतोड़ जवाब दें ताकि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो सके। वहीं युवाओं ने बताया कि उनके सभी वार्डवासी इस बात की शपथ लेते हैं कि आज के बाद कोई भी चाइनीज सामान का उपयोग नहीं करेंगे। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन बहुत जल्द। आप देख रहे हैं न्यूज, खबरों का सारथी। प्रक्रिया स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडला जिले के थाना नैनपुर के ग्राम मनिया मुह गांव में एक शख्स ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। मिली सूचना के अनुसार ये शख्स अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था। इसी बीच बचाव करने पर गुस्से में आकर पुत्र ने अपने पिता पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और उसको ला करके जो है कि वहाँ भी जो भी उसने कुल्हाड़ी वगैरह प्रयोग की जो घटना में,
और वो भी जो है कि जब्त वगैरह कर ली गई और कल इसको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाए। सर किन धारा धारा 302 के अंतर्गत जो है हत्या का जो है कि प्रथम जो उसको बनाया गया। नलखेड़ा विश्व प्रसिद्ध माँ बगला मुखी मंदिर में शनिवार की रात 3 अज्ञात चोरों ने मंदिर के पीछे की तरफ से संडी पेत्र आश्रम के पीछे से घुसने का प्रयास किया, पर गार्ड के जागने पर चोर भाग निकले। बता दें मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई। मंदिर समिति की सूचना पर पुलिस द्वारा फुटेज के आधार पर जाँच पड़ताल की जा रही है। बता दें इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। करीबन 12:30-1 बजे की बात है, कुछ लोग चोरी के इरादे से जैसा कि फुटेज में दिख रहा है मंदिर में घुस रहे थे, लेकिन गार्ड और जो हमारे पॉइंट लगते हैं इनकी सतर्कता की वजह से, गार्ड सतर्क था वहाँ पर तो वो कुछ वारदात कर नहीं पाए, असफल रहा उनका प्रयास और वो भाग गए। उनकी सर्चिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो वहीं अब भारत ने भी आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत ने न केवल भारतीय सेना को आत्मरक्षा के लिए गोली चलाने के अधिकार दे दिए हैं, बल्कि सेना के लिए एक भारी भरकम इमरजेंसी फंड भी जारी कर दिया है। साथ ही तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। देश की तीनों सेनाएं तनाव के बीच हाई अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार ने युद्ध की तैयारियों के मद्देनजर तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया है। सेना इस इमरजेंसी फंड से कोई भी हथियार जरूरत पड़ने पर खरीद लेगी। सीमा पर तनातनी के बीच सरकार से जारी किए गए इस बड़े फंड से सेना की ताकत बढ़ी है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी LAC पर मंडरा चुके हैं और तीनों सेनाएं भी हाई अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों का मानना है कि तीनों सेनाओं को आर्थिक शक्तियां केंद्र सरकार ने दी हैं, उससे इमरजेंसी रिक्वायरमेंट प्रोसीजर के तहत सेनाएं हथियार खरीद सकेंगी। जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए, भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। गलवान में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। अगर सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की जान खतरे में डालते हैं तो भारतीय सेना फायरिंग करने से नहीं चूकेगी। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि LAC पर खतरा दिखे तो फील्ड कमांडर ऐसे रणनीतिक फैसले ले सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर चल रहे विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। रक्षा मंत्री का ये दौरा 3 दिनों का होगा, जहां पर वो रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इन सब के बीच अहम बात ये रहेगी कि इस कार्यक्रम में चीन के प्रतिनिधि और मंत्री भी शामिल रहेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। इसे भी विरोध जताने का एक तरीका माना जा रहा है। चीन और भारत टकराव के चलते जहां पूरे विश्व की नजर दोनों देशों पर है, तो वहीं भारत के आर पार के रवैये ने चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जबकि अमेरिका समेत कई देश युद्ध होने नहीं देना चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि दबाव में आ चुका चीन अब विकल्प के रूप में क्या रास्ता इख्तियार करता है। स्पेशल डेस्क KNews India। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माउंट लिट्रा जी स्कूल उन्नाव, नंबर वन इन एकेडमिक्स, नंबर वन इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट।